a plus d plus a plus 2d dot 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 a plus n minus 1 into d is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो बेसिकली अगर अपन ये सीक्वेंस देखे तो ये क्या है, ap के n टर्म का सम है, ठीक है, ap के n टर्म का सम है. लेट्स से मैं यहाँ पे ap में मैं n टर्म एज्यूम करता हूँ, ठीक है. लेट्स से मैं यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म को a1 बोलता हूँ, इसी प्रूफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ. और ये ap का सम का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे a1 ap का टर्म्स बोलता हूँ, इसकी a होगी वैल्यू. a2 अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो a2 की वैल्यू क्या होती है, a2 की वैल्यू हो जाती है a प्लस d. और a3 की वैल्यू बोलूँ तो ये आ जाएगा a प्लस 2d. और a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 3d. इसी तरीके से अगर मैं a nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो ये हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो बेसिकली इसका सम जो है, ठीक है, इसके सम को अपने को प्रूफ करना है कि ये n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d टाइम्स होता है, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे s लिखूँ, ठीक है, अगर लेट से मैं यहाँ पे एक टर्म्स s लिखता हूँ, इस सम को, इस सीरीज के सम को लेट से मैं क्या बोल देता हूँ, s बोल देता हूँ, ठीक है. तो s बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे s हो जाएगा अपने पास, s को अपन लिखेंगे a1 वन प्लस ए टू, ठीक है. s अपन nth टर्म तक के सम को लिखते हैं, ये आ जाएगा a1 वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस अप टू ए एन, ठीक है. nth टर्म तक के सम को अपन s बोल रहे हैं. तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं a1 a2 a3 की वैल्यू को पुट करूँ यहाँ पे, a1 की वैल्यू a है प्लस a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस d. सिमिलरली a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d, ठीक है, प्लस a a4 की वैल्यू क्या है, a प्लस 3d, ठीक है, ये गिवन है. प्लस डॉट 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 a nth की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है a nth की वैल्यू. इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ, ठीक है, इसी s को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब a s को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब a n प्लस a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 प्लस ए एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 यहाँ पे ए टू प्लस ए वन, ठीक है. इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं, एस को रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है. इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ, ठीक है, लेट से ये क्या है, ये अपना इक्वेशन वन था, और इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ तो एस को अपन क्या लिखेंगे, ए एन एथ टर्म को अपन सबसे पहले लिखते हैं, तो यह आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और ए एन माइनस वन को अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ डी. सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट टर्म किसको क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ठीक है. और इसी तरीके से इसको अगर अपन लिखते जाए तो यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा, a n माइनस वन है, a टू आएगा, तो इसको लिखेंगे a प्लस डी, और a n को अपन क्या लिखेंगे, a, ठीक है. तो ये इस तरीके से इसको अपन ने लिख दिया. इसको लेट से मैं इक्वेशन टू बोलता हूँ, ठीक है, इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है. इन दोनों को अब मैं ऐड करता हूँ, ठीक है. वन और टू को अगर अपन ऐड करें, वन प्लस टू अपन कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में s प्लस s क्या आ जाएगा, टू s, ठीक है. s और s को अगर अपन ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या आ जाएगा, टू s. और राइट हैंड साइड में अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को इससे ऐड करूँ, ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू a, ठीक है. इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये अपने पास आ जाएगा टू a से a ऐड होगा और बाकी n माइनस वन इंटू डी एज इट इज रहेगा. तो ये वैल्यू आ जाएगा टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये टर्म होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ ऐड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ a प्लस डी और यहाँ पे a प्लस एन माइनस टू इंटू डी. तो ए से a को ऐड करेंगे तो टू ए प्लस एक डी अगर अपन यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगा. सिमिलरली अगर अपन नेक्स्ट टर्म को ऐड करें, ये क्या है, ये टर्म्स अगर अपन देखें तो ये टर्म्स अपने पास a प्लस टू डी और ये लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी. इसको भी अगर अपन ऐड करें तो a को ऐड करें तो टू ए प्लस यहाँ पे n माइनस थ्री और एक टू डी यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी, ठीक है. तो ये बेसिकली अगर अपन इसको ऐड करते जाएँ तो ये ऐड हो के अपने पास क्या आ जाएगा, ये सारे टर्म्स जो है, सारे टर्म्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन माइनस वन एथ टर्म होगा. और एन एथ टर्म जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो मैं यहाँ पे ये लास्ट टर्म ऐड करने की बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं इससे ऐड कर दूँ ए से तो ये भी ये वैल्यू आएगी. अभी कितने टर्म्स हैं, ये एन टर्म है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे अगर अपन देखें तो एन टर्म को लिखा था ऑर्डर में और यहाँ पे एन टर्म को अपन ने रिवर्स ऑर्डर में लिखा था और फिर इन दोनों को ऐड किया था. तो एन टर्म और एन टर्म को अगर अपन ऐड कर रहे हैं और वो टर्म अगर सिमिलर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, एन टर्म्स. और अगर अपन मैं किसी भी टर्म्स को एन टाइम्स ऐड करूँ तो बेसिकली वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टर्म. ये सेम टर्म है तो बेसिकली ये आ गया टू ए इजिकल्स टू
ये 2s plus n minus 1 into d plus 2s plus n minus 1 into d plus 2a plus n minus 1 into d, ये कितने टाइम्स आ गया, ये n टाइम्स आ गया। इसका समेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो इसको अगर अपन n टाइम्स ऐड कर देंगे इस सेम क्वांटिटी को, अब अगर अपन सेम क्वांटिटी को a को अगर अपन n टाइम्स ऐड करेंगे तो a आएगा, 2 को अगर अपन n टाइम्स ऐड कर दो 2n आ जाएगा, 3 को n टाइम्स ऐड कर दो 3n आएगा। तो ये अपन ने इस टर्म्स को अगर अपन देखिए तो ये टर्म्स कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, ये टाइम्स n टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म्स अगर अपन n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से अपने को s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई n बाय 2 इंटू, s की वैल्यू आ गई n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही अपने को प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है।